होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। बैतूल में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कलार समाज में जमकर आक्रोश है। बैतूल में इकट्ठा हुए जिले भर के कलार समुदाय के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 17 पुतले बनाकर उनको जलाया। समाज ने यहां एक बड़ी रैली निकाली और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहा है। मैं श्रीमती चिंता जायसवाल, कलार समाज अध्यक्ष चिचोली से। जैसा कि अभी कुछ टाइम से चल रहा है हमारे आराध्य देव के ऊपर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो टीका टिप्पणी की है, उसके विषय में हम लोग पूरे बैतूल जिले के 17 जोन के वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है, अगर कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो हम अपना आंदोलन बहुत उग्र रूप से करेंगे और उसका शक्ति प्रदर्शन दिखा देंगे कि कलार लोगों के ऊपर और कलार के आराध्य देवता पे टीका टिप्पणी करना कितना उनको भारी पड़ेगा। वो माफ़ी मांगे या फिर FIR दर्ज करे, बस हम लोग इसी कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने कलार समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे नाराज कलार समाज धीरेन्द्र शास्त्री से माफी की मांग कर रहा है। बैतूल जिले के अलग अलग हिस्सों में समाज पिछले एक सप्ताह से धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले जलाकर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहा है। दुष्ट पाखंडी तथाकथित कथावाचक कृष्ण गर्ग उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलचूरी कलार वंश और हमारे राजेश्वर जो प्रजापालक थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने सुदर्शन चक्र का धारण किया था, जिन्होंने रावण को 6 माह तक बंदी बनाया था, जिसकी महस्मती उज्जैनी में आज भी दिव्य ज्योति जल रही है, जो युग युग से जल रही है, ऐसे महान प्रक्रमी राजेश्वर हमारे आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु पर उन्होंने घोर और अशोभनीय टिप्पणी यूट्यूब के माध्यम से, कथा के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही थी, जिसका विरोध विगत कई दिनों से हम बैतूल जिले के ब्लॉक और विकासखंड मुख्यालय से करते आ रहे हैं। और इस बैतूल की चिंगारी को जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के 15 करोड़ कलार लोग आक्रोशित और आहत है। आज हम माननीय कलेक्टर, माननीय SP को धीरेन्द्र शास्त्री पे FIR गिरफ्तारी की मांग के लिए हमने रैली और ज्ञापन दिया है और अभी हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हमारा ज्ञापन तत्काल प्रशासन शासन स्वीकार नहीं करता है तो हम अभी जाकर थाने का थाना घेराव करेंगे और आने वाले दिनों में हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री को एक चुनौती देता हूं कि वो मुझसे सत्सार ताके करें। अगर उनमें इतना उनमें ज्ञान है और वो अल्पज्ञानी नहीं है, जो वो कथा की बात करते हैं, वो शास्त्र की बात करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में भगवान सहस्त्रबाहु को एक प्रजापालक और उत्तम विष्णु का 24वां अवतार बताया है। मैं उनके ऊपर साक्षात करना चाहता हूँ। किस तरह प्रदर्शन किया गया, कितने पुतले जलाए गए आप लोगों के? अभी बैतूल जिले से हम लोगों ने जो सभी विकासखंड के जो 17 जोन है, 17 जोनों से हमने यहाँ पर बैतूल मुख्यालय पे पुतला धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला दहन किया है और उग्र आंदोलन करने की प्रशासन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि मैं सरकार की चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री जी को देना चाहता हूँ कि वो भगवान सहस्त्रबाहु पर सरकार मुझसे कर ले। अगर मैं हार जाता हूँ तो अपना सारा जीवन उनके अधीन, उनके गुलामरे के अपने सांस्कारिक और पारिवारिक जीवन काटूंगा, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो जिस वाणी से उन्होंने कलार समाज है एवं क्षत्रिय समाज पे और
भगवान सहस्त्र बहु पे जो अस्वपनी टिप्पणी की है उनकी वाणी और जीवा मैं मांग करना चाहता हूँ उनसे। शुक्रवार को बैतूल के ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए जिले भर के कलार समुदाय से जुड़े लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने शिवाजी चौक से रैली निकाली जो एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी को ज्ञापन सौंपकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। ये रैली कलेक्ट्रेट भी पहुंची, जहां अपर कलेक्टर श्यामेंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। जी ये कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से कलार समाज के आराध्य देव के ऊपर एक टिप्पणी प्रसारित की गई थी, उसी के विरोध के फलस्वरूप कलचुरी समाज हैह समाज की ओर से संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो संबंधित कथावाचक महोदय हैं उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाए। ये हमको अभी अभी प्राप्त हुआ है एक ज्ञापन, तो इसको भी राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है, तो इसको संबंधित थाने एसपी महोदय और जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किए गए पत्र उनको भेजे जा रहे हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोर मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।